वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। जहांगीरपुरी और रामनवमी के बाद हनुमान जयंती में जिस तरह की सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, देश के गृहमंत्री से ये सवाल तो पूछे ही जाएंगे। सवाल नंबर एक, क्या अमित शाह जी इस वक्त आप हैं कहां? कहां हैं देश के गृहमंत्री? सवाल नंबर दो, सांप्रदायिक तनाव में दिल्ली पुलिस की जवाबदेही आखिर क्यों नहीं है? भाई जवाबदेही तो तय की जाएगी ना। सबसे बड़ी बात, जब एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो उस शोभा यात्रा को लेकर क्या अनुशासन होगा? वो शोभा यात्रा में कौन लोग शामिल होंगे, उनके पास हथियार होंगे या नहीं होंगे, वो किस तरह के नारे लगाएंगे, धार्मिक स्थलों के सामने जाकर उनका बर्ताव कैसा होगा, और यही नहीं, धार्मिक स्थलों के अंदर यानी कि मस्जिदों के अंदर अगर लोगों के पास पत्थर हैं, पेट्रोल बॉम्ब्स हैं, तो इस तमाम चीजों की जांच कौन करेगा? अगर लोग गोलियां चला रहे हैं तो पहले से रेकी कौन करेगा? जवाबदेही तो दिल्ली पुलिस की तय होगी। और दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? नहीं साहब, अरविंद केजरीवाल के अंतर्गत नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आती है। सवाल नंबर तीन, नाकामी का श्रेय अमित शाह पर क्यों नहीं? अमित शाह हर बार बच क्यों जाते हैं, मैं समझ नहीं पाता हूं। जहांगीरपुरी में जो हुआ, देश के तमाम हिस्सों में जो हो रहा है, इस नाकामी का श्रेय आपके ऊपर है अमित जी, और किसी के ऊपर नहीं है। सबसे बड़ी बात, दिल्ली दंगे देख चुका है, दो साल पहले 60 लोग मारे गए थे। देश के गृह मंत्री जो हैं वो जमीन पर नहीं उतरे और आज फिर वो नदारद हैं, खामोश हैं। मैं समझना चाहता हूं, क्या अमित शाह ने जहांगीरपुरी से पहले या बाद में कोई बैठक की अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ? क्या उन्होंने राकेश अस्थाना, जो कि पुलिस कमिश्नर है दिल्ली के, उन्हें तलब किया, उनसे बातचीत की? ये सवाल है, इन सवालों के जवाब दिए जाने चाहिए। सवाल नंबर चार, कब तक खामोश रहेंगे मोदी और शाह? यह तो हद ही हो गई दोस्तों। देश के गृहमंत्री खामोश है, जिम्मेदारी उनकी है। देश के प्रधानमंत्री आज की तारीख में एक शब्द कह दें, आज की तारीख में दोस्तों वो एक शब्द कह दें कि सांप्रदायिक हिंसा बंद करो, अगर वो देश की जनता को हिंदू धर्म के मायने समझाएं कि हिंदू धर्म के क्या मायने हैं, अगर वो देश के मुसलमानों से अपील करें, तो मैं आपसे समझना चाहता हूं इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा क्यों होगी। मगर ये तमाम चीजें चली आ रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृहमंत्री पूरी तरह से खामोश हैं, और मैं इस खामोशी के पीछे एक जानबूझकर अपनाई गई खामोशी देखता हूं, जानबूझकर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री, जो कि एक राजनीतिक व्यक्ति भी हैं, उनका एक राजनीतिक किरदार भी है, वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई देते, मगर चुनावी रैलियों में बहुत ज्यादा एक्टिव दिखाई देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को लगता है कि नहीं साहब, खामोश रहो, क्योंकि खामोश रहने से भारतीय जनता पार्टी को इसका चुनावी फायदा मिलेगा। आगे एक और सवाल, आंतरिक सुरक्षा को लेकर नाकामी पर अमित शाह से जवाब तलब क्यों नहीं? मैं यही समझना चाहता हूं दोस्तों, अमित शाह से कभी भी किसी मुद्दे पर जवाब तलब नहीं किया जाता। मिसाल देना चाहता हूं आपको, नॉर्थ ईस्ट, मिजोरम और असम के बीच जब टकराव होता है, 5 असम के पुलिस कर्मियों को गोली मार दी जाती है। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कब हुआ है जब 2 राज्यों के बीच ऐसा टकराव हो रहा हो मानो ये 2 देश हों? और आप जानते हैं ये टकराव अमित शाह के साथ इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद हुआ, उसके कुछ दिनों बाद हुआ, यह कुछ महीने पहले की बात है। जवाबदेही तय की गई देश के गृहमंत्री को लेकर? नहीं। दिल्ली के दंगों को देश के गृहमंत्री की जवाबदेही तय की गई? नहीं। शाहीन बाग के आसपास जो तमाम हिंसा हो रही थी, इस बात को लेकर देश के गृहमंत्री की जवाबदेही तय की गई? नहीं। कश्मीर में जो एक नए सिरे से हिंसा शुरू हो गई थी, जिसके चलते वहां के मजदूरों को पलायन करना पड़ा था, कश्मीरी पंडितों को उस वक्त पलायन करना पड़ा था, क्या जवाबदेही तय की गई? नहीं। जब आपने धारा 370 हटा दी, उसके बाद वहां के जो मुख्य धारा के राजनेताओं को आपने जेल में बंद कर दिया, जो भारत परस्त राजनेता थे, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये जो तमाम चेहरे थे, सैफुद्दीन सोज, इन सबको आपने नजरबंद कर दिया।
इस गलती को लेकर क्या देश के गृहमंत्री की जवाबदेही तय की गई? नहीं की गई। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों, आखिर क्यों। कल ऊना में एक और धर्म संसद हुई दोस्तों। यह आदमी यति नरसिंहानंद सरस्वती उस धर्म संसद में एक बार फिर जहरीले बयान दे रहा था और इसके साथ बाकी जो भगवा ओढ़े तमाम लोग भी जहरीले बयान दे रहे थे। यह आदमी बेल पर है, यह फिर अपनी बेल की कंडीशंस को, बेल की शर्तों का उल्लंघन कर रहा था और यह पहली बार नहीं है। इसने हरिद्वार की धर्म संसद से शुरू किया, उसके बाद दिल्ली के बुराड़ी में जो हिंदू महापंचायत हुई वहां पर भी यही हुआ और वहां पर भी आपको याद है पत्रकारों को हिरासत में ले लिया गया, मगर जो लोग भड़काऊ बयान दे रहे थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अमित शाह के नेतृत्व में आने वाली दिल्ली पुलिस कहती है कि बुराड़ी की महापंचायत में किसी तरह की कोई भड़काऊ बयानबाजी या ऐसी कोई भड़काऊ बात नहीं हुई जिसके चलते उन पर एक्शन लिए जाने की जरूरत है। यह सरकार बार बार इस तरह के भड़काऊ आयोजनों पर आंख मूंद रही है। मैं आपसे समझना चाहता हूं क्यों, क्या इसके लिए जमीन तैयार की जाती है ताकि देश में सांप्रदायिक माहौल बद से बदतर हो, हिंदुओं और मुसलमानों में टकराव हो? क्या सरकारों का यह काम होता है? आप सरकार हैं और वो भी सत्ता में बैठी हुई एक पॉलिटिकल पार्टी। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं दोस्तों। आपको याद है लॉकडाउन जब हुआ था, पहला लॉकडाउन, उस वक्त तबलीगी जमात ने निजामुद्दीन में एक आयोजन किया था। उसके बाद आपको याद होगा तबलीगी जमात को लेकर एक बहुत ही गंदा प्रोपेगेंडा न्यूज चैनल्स पर चलाया गया कि तबलीगी जमात ने हर जगह जो है कोरोना फैला दिया। हालांकि बाद में अदालत के जितने भी फैसले आए तबलीगी जमात के पक्ष में आए, मगर क्या आप जानते हैं उस आयोजन की अनुमति निजामुद्दीन में किसने दी? जाहिर सी बात है अरविंद केजरीवाल यह अनुमति नहीं दे सकते थे, यह अनुमति दी दिल्ली पुलिस ने। और यह दिल्ली पुलिस किसके अंतर्गत आती है? अमित शाह के अंतर्गत आती है। और आप जानते हैं तबलीगी जमात इसी तरह का आयोजन मुंबई में करना चाहती थी मगर उन्हें मुंबई पुलिस ने इजाजत नहीं दी। मुझे बताइए अगर आपको लग रहा है मैं झूठ बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं, तो कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि जो मैंने आपको तमाम मिसालें दी इसमें गलती किसकी दिखाई दे रही है, जिम्मेदारी किसकी है? क्या देश के गृह मंत्री इन तमाम चीजों से, अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं और कब तक बचते रहेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न यह मैं समझना चाहता हूं। और आखिर क्यों, आपकी स्क्रीन पर यह है देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर। कल ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से दिल्ली नहीं संभाला जा रहा और ये बाकी राज्यों में सत्ता स्थापित करने की बात कर रहे हैं। ये वो अनुराग ठाकुर हैं जिन्होंने दिल्ली चुनावों के दौरान देश के गद्दारों को गोली मारो के नारे लगाए थे। ये वो अनुराग ठाकुर हैं जिनके इस बयान के बाद कपिल गुर्जर आ जाता है और शाहीन बाग पर गोली चलाता है और एक और राम भक्त गोपाल भी जामिया के अंदर गोलीबारी करता है और फिर आपको याद होगा दिल्ली में दंगे हो जाते हैं और इनका नाम कहीं किसी चार्जशीट में नहीं आता। उल्टा मोदी सरकार इनको इनाम देती है और इन्हें सूचना और प्रसारण मंत्री बना देती है। आज इस तरह के अनर्गल बयान कर रहे हैं ये। और जाहिर सी बात है दोस्तों आम आदमी पार्टी ने इस पर करारा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है आपकी स्क्रीन पर, बीजेपी दंगे करवाती है। कल हमारे नेताओं ने भी शोभा यात्रा निकाली थी, पूरा माहौल शांतिपूर्ण था, मुख्यमंत्री जी खुद सुंदरकांड के आयोजन में शामिल हुए, कोई समस्या नहीं आई। लेकिन जब बीजेपी शोभा यात्रा निकालती है उनके लोग शामिल होते हैं तो दंगे हो जाते हैं। बयान दिया आतिशी ने जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और नेता भी हैं। एक और बयान दोस्तों आम आदमी पार्टी का और यह बयान जो कहीं ना कहीं सीधा हमला है अनुराग ठाकुर पर। वो क्या कह रहे हैं, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मोदी सरकार की जिम्मेदारी है, बीजेपी में हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल को लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी दे, दिल्ली में एक भी दंगा नहीं होगा। यह बहस बहुत लंबी है दोस्तों,
कि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी का अंदाज़े बयां साफ तौर पर नजर आता है। एक तरफ अमित शाह की जिम्मेदारी कोई तय नहीं कर रहा है, उनकी जवाबदेही कोई तय नहीं कर रहा है, मगर दूसरी तरफ इनके पास ऐसे नेता हैं अनुराग ठाकुर जैसे, जो इसका ठीकरा एक ऐसे मुख्यमंत्री के सिर पर फोड़ रहे हैं जिसके हाथ में दिल्ली पुलिस ही नहीं है। इस तरह से काम चल रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इनके जो भक्त हैं ना, वो इस बात को मान भी लेते हैं। हालांकि वो लोग ये भूल जाते हैं कि कल किस तरह से ये बीजेपी जो नेता दिखाई दे रहा है, वो कह रहा था कि भाई अगर इस देश में रहना है तो जय श्री राम कहना होगा। आप सब जानते हैं जय श्री राम एक धार्मिक नारा है। इस देश के मुसलमान में भी राम के प्रति श्रद्धा है, मगर जय श्री राम एक धार्मिक नारा है। अगर कोई मुसलमान हमारे मंदिर के सामने खड़े होकर अल्लाहु अकबर के नारे लगाए, हमारा गिरेबान पकड़कर हमसे कहे कि अल्लाहु अकबर के नारे लगाओ, तो आपको कैसा लगेगा बताइए? तो क्या अधिकार है भाजपा के पास कि सिर्फ चंद वोटों की फसल काटने के लिए तुम इस तरह के वाहियात बयान दोगे और देश के गृहमंत्री अमित शाह को बचने का रास्ता दिया जाएगा? और फिर दोस्तों, इनका जो पूरा टूल किट है वो किस तरह से काम करता है मैं आपको बताता हूं। यह है आपके स्क्रीन पर मनोज मुंतशिर, जो जिस पर आरोप लग चुके हैं इधर उधर की शायरी को बटोर कर इसे अपना कलाम के, अपने खुद के कलाम के तौर पर, अपने खुद के काम के तौर पर पेश करना, इस पर यह आरोप लग चुका है। नंबर एक, ये 500-600 साल पहले जो मुगल मर खप गए उनको फिर से जिंदा कर रहा है, उन पर दोष मढ़ रहा है। इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मौजूदा सरकार पर टिप्पणी कर सके, क्योंकि कवि का क्या काम होता है? कवि अपने शब्दों से व्यवस्था को चुनौती देता है। मगर यह आदमी एक कमजोर और कायर आदमी है, यह फिर मनोज मुंतशिर वाहियात बयान दे रहा है, क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी के टूल किट का हिस्सा है। बयान किया है आपके स्क्रीन पर, पहले कर्नाटक अब जहांगीरपुरी, तो क्या करें, हनुमान जी की शोभा यात्रा निकालना बंद कर दें, राम नवमी मनाना छोड़ दें, पालघर को 2 साल हो चुके हैं, हत्यारे अब तक स्वतंत्र हैं, कुछ करिए, क्योंकि सहिष्णुता के नाम पर अत्याचार सहने वाली जाति को समाप्त होते देर नहीं लगती, इतिहास पढ़ लीजिए। पहले तो इस इंस्पिरेशनल कवि को जो इधर उधर से प्रेरणा लेता रहता है मैं समझा दूं, पालघर में जिन 2 साधुओं की हत्या हुई थी ना, भीड़ में भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भीड़ ने एक गलती के चलते, गलतफहमी के चलते उन्हें मार दिया। इसकी जिम्मेदारी यकीनन वहां की पुलिस की है, क्योंकि पुलिस वहां मौजूद थी, मगर इसे धार्मिक रंग देना इसकी बेहूदगी बता रहा है। साधुओं की मौत के लिए जिम्मेदार वहां मुसलमान नहीं थे, वहां की पुलिस जिम्मेदार थी, वहां के लोग जिम्मेदार थे। और यह बात सामने उभर कर आई थी कि कुछ लोग, कुछ आरोपी उसमें भाजपा के कार्यकर्ता थे। नंबर एक। नंबर दो, कर्नाटक। तो कर्नाटक की हम बात करें मिस्टर कॉपीकैट मनोज मुंतशिर, तो कर्नाटक के अंदर मैं आपको बता दूं कि लड़कियां एक अरसे से हिजाब पहन रही थी, मगर फिर एक प्रायोजित अंदाज में एक विवाद को खड़ा किया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव थे और उस विवाद के चलते उनका हिजाब पहनना रोक दिया गया। रही बात जहांगीरपुरी की, तो जैसे मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत में बताया, जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस को नंबर एक दोनों समुदायों के साथ संवाद करना चाहिए था यात्रा से पहले। दिल्ली पुलिस को देखना चाहिए था कि जो लोग जहांगीरपुरी के सामने से यात्राएं निकाल रहे हैं, क्या उनके हाथ में हथियार है। दिल्ली पुलिस को यह देखना चाहिए था कि क्या मस्जिदों के अंदर लोग हथियारों के साथ बैठे हैं या पत्थरों के साथ बैठे हैं। ये सारे काम दिल्ली पुलिस के हैं। दिल्ली पुलिस को यह भी तय करना था कि जो लोग मस्जिद के सामने निकल रहे हैं वो भड़काऊ नारे तो नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि किन किन मस्जिदों के सामने से इस यात्रा को निकलना था। दिल्ली पुलिस ने यह सब नहीं किया। तो बेटे मनोज, तुम में बेशक हिम्मत ना हो सत्ता से सवाल करने की, मगर इन सवालों को सुन लो, शायद तुम्हारा अधूरा जन्म सफल हो जाए। समझे? ये देश का दुर्भाग्य है
कि एक तरफ आप और हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, मगर हमारी नसों में विष भरा जा रहा है, जहर भरा जा रहा है। ऐसे में हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे? जब हमारी नसों में जहर होगा तो हम विश्व गुरु तो बन ही नहीं सकते ना, फिर तो नसों में सिर्फ और सिर्फ विष होगा, यानी जहर होगा। आज बहुत जरूरी है कि अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के बजाय हमारे गृहमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के तौर पर बर्ताव करें भाजपा के कार्यकर्ताओं या भाजपा के नेताओं की तरह नहीं। क्योंकि अगर आपकी तरफ से संदेश नहीं जाएगा तो देश बर्बादी की राह पर चल पड़ा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि चलने वाला है, नहीं साहब, चल पड़ा है। ये मुगालते में हम ना रहे। मैं नहीं जानता हूं कि कब और कैसे हम यूटर्न ले पाएंगे। मैं नहीं जानता हूं कब और कैसे हम कोर्स करेक्शन कर पाएंगे, यानी कि अपने आप को सुधार पाएंगे, मगर हम बर्बादी की राह पर हैं। आज आप और हम तो बर्बाद हैं, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हैं, और वो पलट के हमसे सवाल पूछेंगे कि तुमने क्या किया था कि तुमने हमारे लिए ऐसे हालात कर दिए। मगर मैं इस मंच पर न्यूज क्लिक अपनी आवाज लगातार बुलंद करते रहेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।